हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6th to 12th का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6th to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हम जो पोल्यूशन है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, मेनली कौन सा, वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो उस वाटर पोल्यूशन के अंदर मतलब वो कौन कौन से कारण हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, सीधा पोल्यूशन को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको बढ़ाते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, वो किस किस तरीके से करते हैं, वो चीज़ हमने पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए अभी हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। तो धीरे धीरे हम ले रहे हैं एक एक टॉपिक। अब हम क्या पढ़ेंगे, देखिए हमने ऐसे बोला, हम खेती के अंदर क्या यूज लेते हैं, फर्टिलाइजर्स। उसी के अंदर दो छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हम जनरली यूज लेते हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, वाटर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके कारण चल रहे थे, अभी क्या पढ़ने वाले हैं हम, नेक्स्ट कारण कौन सा आता है, किसका यूज, पीड़क नाशी और कीटनाशी। देखिए ये चीज मैंने आपको एक बार पहले भी इस चीज का थोड़ा सा जिक्र किया था कि हम फसलों के अंदर कोई भी चीज किस लिए यूज लेते हैं, ताकि फसल अच्छी हो, उसको रोग नहीं लगे, वो फसल खराब नहीं हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसकी पैदावार अच्छी हो, इसीलिए तो करते हैं। ये जनरल सी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हम क्यों यूज ले रहे हैं। खेतों में पैदावार अच्छी हो, फर्स्ट तो ये हो गया रीजन। ठीक है, और क्या ले रहे हैं, उसके अंदर क्या नहीं लगे, रोग नहीं लगे, फसलों को रोगों से बचाने के लिए। रोगों से बचाने के लिए, ठीक है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्या आता है, हम क्या बोल रहे हैं, फसलों को किससे बचा रहे हैं, हम रोगों से बचा रहे हैं, इसीलिए क्या यूज करते हैं, हम केमिकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इस किसके लिए, फसल अच्छी हो, उसको रोग नहीं लगे, इनके लिए, फसलों में क्या, किससे बचाने के लिए, रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए, रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए। किसका यूज करते हैं, ये जो हम बताए ना, पीड़क नाशी और कीटनाशी, इनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। किस लिए करते हैं हम इनका यूज, ताकि फसल क्या हो, अच्छी हो, उसको रोग नहीं लगे, उसकी ग्रोथ अच्छी हो। ठीक है, अब आई बात आपको समझ में, मैं आपको कहाँ टॉपिक पे लाना चाह रही हूँ, मैं आपको यहीं लाना चाह रही थी कि जैसे हमने पहले पढ़ा केमिकल जो फर्टिलाइजर्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा कि जो रासायनिक उर्वरक है ना वो कैसे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस टाइप से पहुंचा रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अभी पीड़कनाशियों के बारे में, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कीटों को, इनको खत्म करते हैं। क्योंकि आप देखिए कई बार क्या होता है कि ऐसे कुछ टाइप के कीट आते हैं, ऐसा कई बार तो क्या होता है फसलों पे इस टाइप का रोग फैल जाता है कि उनकी पत्तियां जो है ना वो पूरी तरह से खराब हो जाती है। ठीक है, अब देखिए जनरल से एक चीज मैं आपको बताती हूँ, मैंने बोला कि हम फसलों के अंदर जो रोगाणु होते हैं उन रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए क्या करते हैं, कीटनाशियों का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल DDT, ये जनरली चीज, ये जो है इसका आपको घर में नेम सुनने को मिल जाएगा आराम से। ये चीज जो है हमारे घर के अंदर भी क्या, इसको कई तरह से जो कीटनाशी वगैरह होते हैं ना उनको खत्म करने के लिए यूज लिया जाता है।
ठीक है। अब इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, हम क्या कर रहे हैं, उसका यूज ले रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, जो जीव हैं, जीवों को क्या पहुंचेगा इससे, किसके जीव, देखिए फसल के तो जीव क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, फसल के मतलब जो रोगाणु जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, किसके द्वारा, इसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा क्या हो जाएगा, फसल को जो नुकसान पहुंचाने वाले रोगाणु हैं वो क्या हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, किसके यूज से, हमने इसीलिए क्या किया कि जो पीड़क नाशी वगैरह है तो केमिकल्स उसके अंदर भी, उसका हम यूज कर रहे हैं, इसका उपयोग हम क्या बोल रहे हैं कि इससे हम क्या कर सकते हैं, जो जीव हैं फसल के अंदर उन जीवों को क्या कर सकते हैं, एक तरीके से हम देखें ना तो इनको हमने जीव बोल, तो नाशक जीव जो होते हैं, नाशक जीव, उन नाशक जीवों को नष्ट करने के लिए, देखिए मतलब जो क्या कर रहे हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, उन्हीं को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, किसका यूज कर रहे हैं, ये जो केमिकल्स वगैरह हैं, ये जो हमने बताए हैं कि ये जैसे जो पेस्टिसाइड्स है, मतलब कीटनाशी हैं, पीड़कनाशी है, ठीक है, इसके कारण होता क्या होता है, ये नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये जो जीव होते हैं एक तरीके से देखें ये फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कैसे होते हैं, इसके अंदर क्या प्रोसेस होते हैं कि ये सभी कैसे होते हैं, एक तरीके से हम अगर बोलें तो किस टाइप के, ऑर्गेनिक कार्बनिक जिनको हम बोल, उन देखिए उनके अंदर ये जो प्रोडक्ट्स होंगे यूज ले जाएंगे, कार्बनिक अकार्बनिक किसी भी तरीके से क्या किया जा रहे हैं, जनरल ये चीज़ें जो हैं वो यूज ले जा रहे हैं, किसके अंदर, ये जो जिसको हम बोल रहे हैं ना कि प्रदूषण हो रहा है किसके कारण, जो हमारी फसलें हैं उसके अंदर यूज, जो हम पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज ले रहे हैं उसके कारण, ये कैसे यौगिक हैं, ये अविघटनीय, मतलब जिनको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है, इस टाइप के क्या है, ये केमिकल्स हैं, कौन, जो हम खेती में यूज ले रहे हैं, क्या, जो पीड़कनाशी टाइप की चीजें हैं वो हम यूज ले रहे हैं, तो इस टाइप के यौगिक हैं ये, ठीक है, इन यौगिकों के अंदर क्या होता है, इनका मेन मकसद क्या है, नुकसान पहुंचाना, अब ये देखिए ये फसलों के अंदर, लेकिन प्रदूषण की बात हम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, उसको नष्ट करते हैं, प्रदूषण को खत्म करते हैं, ये हमारी थिंकिंग है, इसलिए हम क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को यूज लेते हैं, ठीक है फ्रेंड, तो आ रहा है आपको समझ में, तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ गया है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी, और हमारे इस क्वालिटी एजुकेशन के इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतनी ही जल्दी हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी, सो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक पीछे के हमारे कोई वीडियो नहीं देखे, छूट गया है, तो आप इंटरनेट पढ़ाई की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको चैप्टर टू चैप्टर, टॉपिक टू टॉपिक सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी, आपको अलग से कुछ सर्च नहीं करना है टॉपिक, कहीं जाके अलग से कोचिंग नहीं करनी, ना पैसा वेस्ट करना है, और सब्सक्राइब तो आपने कर दिया, अगर न्यू हो नहीं किया है तो आप कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और ओवरऑल आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अभी नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो हम कीटनाशी पीड़कनाशी खेतों में यूज ले रहे हैं उसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, देखिए ये कैसे यौगिक हमने बोल दिया, इस टाइप के जो यौगिक हैं और इसके अंदर क्या मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, वही यूज लेते हैं, लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग रहते हैं, अब इसके यूज से, इसके उपयोग से क्या होता है कि जो मिट्टी होती है और जो जल होता है, मृदा होती है और जो जल होता है, उसमें क्या होता है, इनकी जो सांद्रता होती है, उनमें क्या, इसकी सांद्रता वो लगातार क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि लगातार फर्टिलाइजर्स यूज ले रहे हो तो अच्छे नहीं है, वो केमिकल्स है उसके अंदर उनके बने हुए हैं, तो क्या करेंगे, वो फसल को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है, ये बात हो गई।
अभी देखिए इसके अंदर हमने बोला कि लगातार क्या होता है इसके यूज से, उसके अंदर जो प्रोसेस है ना वो बढ़ती जाती है। इस तरीके से एक प्रोसेस क्या, बायोटिक मैग्निफिकेशन। अभी हम कौन सा टर्म बोल रहे हैं, बायोटिक मैग्निफिकेशन, मतलब हिंदी में बोले तो जैविक आवर्धन। किसकी बात कर रहे हैं, जैविक आवर्धन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके कारण देखिए हम अगर एक तरीके से देखें तो केमिकल्स जो हैं, कौन से हानिकारक केमिकल्स, जो रासायनिक ऐसे हानिकारक रसायन है उसकी सांद्रता पे कैसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लगातार इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, देखिए आपने केमिकल्स यूज ले हैं, वो केमिकल्स जो उनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट खाद्य श्रृंखला, कौन सी चीज, खाद्य श्रृंखला, वो चीज मैंने बताई थी कि एक जीव दूसरे जीव को क्या कर रहा है, खा रहा है लगातार एक जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे घास वगैरह है वो क्या, वो टिड्डे के लिए पोषक स्तर की तरह काम करती है, उस टिड्डे के लिए जो कीट छोटे पतंगे होते हैं वो मेंढक के लिए पोषक स्तर का काम करते हैं, और मेंढक जो है वो सांप के लिए पोषक स्तर का काम करता है। तो इस टाइप की जो चेन होती है, श्रृंखला होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको फूड चेन बोलते हैं। अब जब जीवों के अंदर इस तरीके से इफेक्ट हुआ तो क्या होगा, लगातार जो पोष स्तर है उस तक ये जो इसकी कंसंट्रेशन है ना, सांद्रता, खाद्य श्रृंखला है, फिर उसके अंदर हम कौन सा बोले तो पोष स्तर, उस तक इसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। और आप खुद देखिए जैसे जैसे इस चरम तक पहुंचेगी ना, लगातार इसकी कंसंट्रेशन में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, लगातार वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखनी, अब बात आती है क्या, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने पूछा था बहुत ही जैसा क्वेश्चन कि दो लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स के बीच में अगर प्रेजेंट होता है थोड़ा बाई और होता है कौन सा, हार्ट। इसको चारों तरफ से घेरने वाली कैविटी, इसकी जो कैविटी है उसका नाम बताना था। तो देखिए हार्ट के लिए कार्डियक वर्ड भी यूज लेते हैं हम, ठीक है। इसके चारों जगह उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी, क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। तो ये आपके क्वेश्चन कौन सा जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात हमने क्या बताया, फूड चेन जो चलती है लगातार से, जब पोषक स्तर से एक बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर वृद्धि होती जाएगी, ठीक है। अब किसकी बढ़ रहे हैं हम, जो कीटनाशक यूज रहे और नॉर्मली कौन सा, डीडीटी, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होगा, पोषक स्तर के अंदर लगातार उसकी सांद्रता जो है वो बढ़ती जाती है। अब पादप शरीर जो है, लगातार जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं किसकी, इस डीडीटी की सांद्रता की, किसकी बात कर रहे हैं, डीडीटी की सांद्रता की बात कर रहे हैं। अब उसकी सांद्रता आप खुद देखिए, लगातार एक से दूसरे में उनसे इनमें हुई बढ़ गई, ठीक है, मात्रा ज्यादा हो गई। इसको ये मतलब एक तरीके से देखिए तो उत्पादक के अंदर ज्यादा लगातार यूज कौन ले रहे हैं इसके, फिर उपभोक्ता, तो उपभोक्ता चलते जाएंगे जो दूसरे का इस तरीके से काम करते जा रहे हैं वो उपभोक्ता, अब उनके अंदर क्या, डीडीटी और ज्यादा हो गई। और एक तरीके से देखें जब एंड तक चरम सीमा तक पहुंचेगी तो मात्रा जनरल से चीजें ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, जब पूरी जो श्रृंखला कंप्लीट होती है उसके अंदर क्या होता है, वो लगातार इसकी मात्रा में वृद्धि होती है। और मानव के द्वारा क्या किया जाता है, इस टाइप की जो पद्धतियां होती हैं, अब आगे एक तरीके से हम बात करें कि ऐसी जो चीजें हैं जनरली हम जिसको कीड़ा कीटनाशक और क्या कर रहे हैं, उन फसलों को हम खाते भी हैं जिनके अंदर ये जो उल्टे सीधे चीजें जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जीवों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और आप अगर हम देखें यही प्रोडक्ट बह करके कहाँ जाएंगे, ये पानी के अंदर जलाशय वगैरह उसके अंदर जाएंगे, अब वो पानी पीने योग्य नहीं रहेगा। तो ये किसका पार्ट बनता है, ये वाटर पोल्यूशन का पार्ट बनता है। तो अब ये आपका कंप्लीट हो गया कौन सा, कि जो वाटर पोल्यूशन है वो किस किस तरीके से होता है, उसके पीछे क्या रीजन होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये हो गया, अभी बात आती है क्या, बात आती है आपके आज के क्वेश्चन की, कि आपका आज का जो क्वेश्चन है ना वो क्या होगा। देखिए आपको बताना है कि जो हमारा जो स्टमक होता है ना, आमाशय, इसके अंदर हम एक वर्ड यूज लेते हैं क्या, पीएच। तो वो पीएच जो है ना वो कितनी होती है, आपको बताना है कि उसके अंदर पीएच है, स्टमक आमाशय लगा लीजिए चाहे स्टमक बोल दीजिए, उसके अंदर पीएच जो है ना वो कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।
अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कम्प्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इंटरनेट पढ़ाई.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी, वो आपको इंटरनेट पढ़ाई.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।